हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले काइट मैन की जो एनिमेटेड सीरीज़ है वो जुलाई में रिलीज़ होगी मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। ये जो काइट मैन की जो सीरीज़ है, ये हार्ली क्वीन की जो एनिमेटेड सीरीज़ है उसी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसका डीसी यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स है उसमें हमको मे बी काइट मैन का कैरेक्टर नज़र आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जेम्स गन ये बी लिस्ट और सी लिस्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो थोड़ा सा फनी होते हैं, उनको जेम्स गन अक्सर यूज़ करते हैं अपनी मूवीज़ में। तो डीसी यूनिवर्स में मे बी फ्यूचर में हमें काइटमैन नज़र आ जाए, लेकिन ये जो एनिमेटेड सीरीज़ है काइटमैन की, ये जुलाई में रिलीज़ होगी मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। दूसरी अपडेट की बात करें तो गाइज, आप जानते हैं बैटमैन द केप्ड क्रूसेडर की जो एनिमेटेड सीरीज़ थी, जिसका टीज़र रिवील किया गया था और उसमें हैमिश लिंकलेटर बैटमैन को वॉइस कर रहे हैं। हैमिश लिंकलेटर जो हैं गाइज, आप जानते हैं ये एक वेल नोन एक्टर हैं। नेटफ्लिक्स पे इन्होंने एक सीरीज़ में काम किया था जिसका नाम था मिडनाइट मास। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाके वो टीवी सीरीज़ देख सकते हैं। एक हॉरर थ्रिलर थी और इसमें उन्होंने एक फादर का रोल प्ले किया था एक चर्च के, तो एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अपडेट यह है कि इनकी जो वॉइस थी बैटमैन द केप क्रूसेडर के टीज़र में, उसको बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग रिव्यू मिल रहे हैं। यानी कुछ ऐसे फैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें अभी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, जब पूरी सीरीज़ आ जाए तभी हमको ओपिनियन बनाना चाहिए कि ये वॉइस एक्टर अच्छे हैं या नहीं है। लेकिन कुछ तो उस टीज़र को ही देख के फुल ऑन हेट कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ सूट नहीं कर रही है और ये कौन सा एक्टर उठा लाए बैटमैन को वॉइस देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग रिव्यू मिल रहे हैं इनकी वॉइस को। अच्छा गाइज, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमें पहले पूरी एनिमेटेड सीरीज़ का वेट करना चाहिए, तभी ओपिनियन बनाना चाहिए। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे उठता है, इनको जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अरे ये क्या वॉइस एक्टर बनेगा, इसकी तो वॉइस ही नहीं सूट कर रही है बैटमैन को, ये जो क्रिटिसिज्म है क्या ये सच में एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है या ये वो वाला हेट है जो हमेशा है डीसी प्रोजेक्ट को हेट किया जाता है। आप तो जानते हैं कोई भी नई कास्टिंग होती है डीसी में तो हेट फैलाया जाता है कि अरे ये क्या बैटमैन बनेगा, ये क्या सुपरमैन बनेगा, और ये कैसे बाल हैं इसके, ये कैसी आवाज़ है इसकी, बॉयकॉट डीसी। क्या ये वो वाला क्रिटिसिज्म है या सच में ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि आप ज़रूर बताइएगा कि आपको टीज़र में वॉइस कैसी लगी। मैं यही कहूँगा कि हमें पहले एनिमेटेड सीरीज़ का वेट करना चाहिए, तभी ओपिनियन बनाना चाहिए। तीसरी अपडेट की बात करें तो डीसी यूनिवर्स की जो सुपरमैन मूवी होने वाली है, हम ऑलरेडी जानते हैं उसको लेके एक थ्योरी घूम रही है कि इस मूवी में हमको दो सुपरमैन के सूट दिखाए जाएंगे। एक जो सुपरमैन स्टार्टिंग में पहनेगा जो मे बी मूवी के बीच में डैमेज हो जाएगा, बाद में सुपरमैन एक दूसरा सूट लेके आएगा जिसमें उसका जो सिंबल है क्रिप्टोनियन सिंबल, जो एस सिंबल है, वो उसको चेंज करके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कर देगा जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एस होता है उसकी तरह, ताकि वो अपने क्रिप्टोनियन कल्चर और जो अर्थ में जहाँ वो रहता है इन दोनों कल्चर्स को यूनाइट कर सके। नए सूट में ऐसा होगा, ये थ्योरी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घूम रही है काफ़ी पहले से। कल जो मैंने वीडियो बनाया था और आपको ये बताया था, जो सेट पिक्स लीक हुई हैं जिसमें सुपरमैन की पिक्स हमको दिखाई जा रही है एक न्यूज़पेपर कटिंग की, तो लोगों का कहना है कि वो जो फोटो थी जिसमें सुपरमैन ट्रेन को रोक रहा है, दरअसल यही सुपरमैन का दूसरा सूट है। क्योंकि कुछ लोग का ये कहना है कि इसमें आप देखेंगे इसमें ट्रंक्स नहीं है इसलिए सुपरमैन का दूसरा सूट है, लेकिन जो दूसरी वाली पिक थी उसमें ट्रंक्स थे तो वो पहला वाला सूट था। ये थ्योरी घूम रही सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये पिक्स इतनी ज़्यादा ब्लरी हैं कि फिलहाल आप कायदे से देख ही नहीं सकते कि ये दूसरी पिक में ट्रंक है कि नहीं है। तो मुझको लगता है कि अगर ये जो सुपरमैन है हमारा, ये अगर दो सूट पहनेगा मूवी में, मूवी के एंड में सूट चेंज हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक इन बिहाइंड द सीन पिक्स या सेट पिक्स के थ्रू ये लीक करके हमको दिया जाएगा। ये शायद एक सरप्राइज रखा जाए फैंस के लिए मूवी में। तो मुझको तो ये लग रहा है कि ये पिक्स जो हैं ये सेम सूट की हैं दोनों, लेकिन फिर भी ये थ्योरी सही हो सकती है कि मूवी में मे बी सुपरमैन जब मूवी एंड होने लग जाए तो एक दूसरा सूट पहन के आए, क्रिप्टोनियन सूट। तो मुझको ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट जो अपडेट है ये भी सुपरमैन से ही रिलेटेड है। ब्रेंडन राउत, जिन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले किया था सुपरमैन रिटर्न्स में, उन्होंने रिसेंटली ही एक एडवाइस दिया है डेविड कॉन्सवेट को कि सुपरमैन कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल को लेके। आप जानते हैं ब्रेंडन राउत ने भी सुपरमैन का रोल प्ले किया था, और एक आर्टिकल के थ्रू हमको ये पता चल रहा है कि ब्रेंडन राउत ने अपना ओपिनियन दिया है कि वो किस तरीके से सुपरमैन को देखते हैं और उन्होंने जब सुपरमैन प्ले किया था उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में सोचा था, किस पे गौर किया था, किस पे फोकस किया था। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये कि एक फॉर्मर सुपरमैन एक्टर, जो लेटेस्ट हमारे सुपरमैन के एक्टर हैं डेविड कॉन्सवेट, उनको एक तरीके से एडवाइस दे रहा है।
हालांकि गाइज सुपरमैन रिटर्न्स जो मूवी थी हमारे ब्रेंडन राउत की, वो मूवी की स्क्रिप्ट अगर थोड़ी सी और स्ट्रांग होती तो डेफिनेटली सुपरमैन रिटर्न्स एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित होती। थोड़ा सा स्क्रिप्ट वीक रह गई, लेकिन जो परफॉर्मेंस था ब्रेंडन राउत का, अपने तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनका जो क्लार्क केंट था वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, बिल्कुल लगता है कि कॉमिक बुक से निकला हुआ है उनका क्लार्क केंट। बाद में फिर आप जानते हैं CW पे जो क्राइसिस वाली जो टीवी सीरीज आई थी, जिसमें फ्लैश, सुपर गर्ल सब एक साथ यूनाइट हुए थे, उसमें भी इन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले किया था। तब लोगों ने कहा था कि यस, अगर मटेरियल अच्छा हो तो ही कैन प्ले अ वेरी गुड सुपरमैन। तो CW में भी इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। फिर भी मैं ये कहूँगा सुपरमैन रिटर्न्स पर्सनली मुझे पसंद आई थी, एक इंजॉयबल मूवी थी, लेकिन अगर स्क्रिप्ट थोड़ी सी और अच्छी होती तो मे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वो मूवी हो सकती थी, पब्लिक के साथ क्लिक कर सकती थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा था स्कूपर्स की तरफ से कि अंदर से खबर आ रही है सुपरगर्ल मूवी में जो क्रिप्टो का कैरेक्टर अपियर हो रहा है उसको वॉइस देने के लिए वॉइस एक्टर की कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब कुछ लोग इस चीज़ को हेट करने लगे कि क्रिप्टो जो है वो सुपरगर्ल मूवी में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमिक बुक में कई बार ऐसा दिखाया गया कि क्रिप्टो बोलता नहीं, ही इज जस्ट अ डॉग। लेकिन अभी जो एनिमेटेड मूवी आई थी लीग ऑफ सुपर पेट, उसमें हमने ये देखा था कि पेट्स बोल रहे थे, लेकिन कॉमिक बुक में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये दिखाया गया है कि क्रिप्टो बोलता नहीं है। तो एक बैकलैश होने लगा सोशल मीडिया पे कि ये क्या, वॉइस एक्टर को क्यों हायर किया जा रहा है। बाद में पता चला ये जो स्कूप है ये झूठ था हर बार की तरह, और जेम्स गन ने ये बात कन्फर्म कर दी कि नहीं, क्रिप्टो के लिए कोई भी वॉइस एक्टर को कास्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं, क्रिप्टो द सुपर डॉग का जो कैरेक्टर है सुपर गर्ल मूवी में, क्या वो बोले, स्पीकिंग डायलॉग्स हो उसके पास, या वो सिर्फ नॉर्मली एक डॉग ही रहे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पॉम क्लेमेंटफ जो आप जानते हैं MCU में भी नजर आई थी, और काफी टाइम पहले गाइस ये अपडेट निकल के आ रही थी कि वो जेम्स गन के साथ टॉक्स में है DC यूनिवर्स को ज्वाइन करने के लिए। अब ये बात दोबारा निकल के आ रही है कि हाँ, अभी भी इनके टॉक्स चल रहे हैं जेम्स गन के साथ DC यूनिवर्स को ज्वाइन करने के लिए। और इन्होंने स्पेशली एक चीज़ बोली कि एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग का अभी भी डिस्कशन हो रहा है। अब वो कैरेक्टर क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं DC के जिसको लेकर इनसे बात मे भी चल रही हो। एक आप जानते हैं हंट्रेस का एक प्रोजेक्ट बनने वाला है जो कोरियन थीम पे बेस्ड होने वाला है, और इसके लिए वार्नर ब्रदर्स किसी कोरियन डायरेक्टर को भी हायर कर रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस रोल के लिए पॉम क्लेमेंटफ को टॉक्स किए जा रहे हैं इनके साथ, इनको हायर किया जाए, या तो आप जानते हैं अथॉरिटी की एक लाइव एक्शन मूवी हमको मिलने वाली है, उसमें कैरेक्टर है स्विफ्ट का, हो सकता है उस कैरेक्टर के लिए पॉम क्लेमेंटफ को हायर किया जा रहा है ताकि वो स्विफ्ट का कैरेक्टर प्ले करें। अच्छा, मुझसे गाइस आप पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मैं पर्सनली चाहूंगा ये जो कोरियन थीम पे जो हंट्रेस की मूवी बनने वाली है इसको पॉम क्लेमेंटफ प्ले करें, क्योंकि एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, MCU में आपने इनको देखा ही होगा, इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। गाइज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो बैटमैन द क्रिप्ट क्रुसेडर को लेके जो वॉइस एक्टर हैं इनके अगेंस्ट जो हेट किया जा रहा है कि ये अच्छे वॉइस एक्टर नहीं है बैटमैन के लिए, आपको क्या लगता है, क्या ये जेन्युइन क्रिटिसिज्म है या ये वही DC का हेट है जो हर प्रोजेक्ट को किया जाता है? और आप जरूर बताइएगा क्या आप इस थ्योरी में यकीन करते हैं कि सुपरमैन मे बी सुपरमैन मूवी में दो सूट पहने? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।